नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बिग बॉस रियलिटी शो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो माना जाता है और हमेशा की तरह ये सीजन भी काफी धमाकेदार बनता जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई मुद्दा घर में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी घर के अंदर जो भी लड़ाई झगड़े बातचीत हो रही है वो सभी बाहर काफी वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में सबसे चर्चित विवाद विशाल पांडे और अरमान मलिक का बना हुआ है। दरअसल अरमान मलिक के विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद से विशाल के सपोर्ट में कई सितारे उतर आए हैं और फैंस ने भी अरमान की जमकर क्लास लगाई है। आपको बता दें, विशाल पांडे को अरमान मलिक की पत्नी यानी कि कृतिका के बारे में कमेंट करना भारी पड़ गया था, क्योंकि जब बात खुली तो अरमान मलिक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने विशाल पांडे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद विशाल पांडे को बिग बॉस के घर से बाहर कई यूट्यूबर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स और एक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें गौहर खान से लेकर एल्विश यादव तक का नाम शामिल है। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रहे एल्विश यादव का इस बारे में रिएक्शन आया है और उन्होंने विशाल पांडे को इस पूरे मामले में सपोर्ट किया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एल्विश यादव विशाल पांडे और अरमान मलिक वाले मामले पर बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करी कि अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया बिग बॉस में, जिस पर सबने कहा कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना कहां से गलत हो गया, जिसके बाद एल्विश यादव कहते हैं वाकई विशाल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है और मेरा पूरा सपोर्ट विशाल को है, यहां अरमान मलिक बहुत गलत है। जिसके बाद एल्विश का एक और वीडियो बहुत तेजी से अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिग बॉस पर सवाल उठाते हैं कि अगर घर का कोई रूल टूटता है तो उसके हिसाब से उसे घर से बेघर होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एल्विश यादव ने आगे कहा लेगेसी आगे तभी बढ़ेगी, क्योंकि भाई ये तो ऐसे हो जाएगा कि थप्पड़ मारते रहो और घर में रहते रहो, समझ रहे हो, पिछली बार अभिषेक का हुआ था और इस बार इनका हो गया। वहीं गौहर खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि तो क्या मैरिड लोगों को सुंदर बोलना भी गुनाह है, मतलब कुछ भी। और भी कई सेलिब्रिटीज का विशाल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सबका बिग बॉस से एक ही सवाल है कि घर का इतना बड़ा नियम तोड़ने पर सिर्फ नॉमिनेट क्यों? आपके हिसाब से क्या बिग बॉस का ये जो फैसला उन्होंने लिया है ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।